डाभोसरे चलिथिबा विश्व अर्थनैतिक फोरम सम्मेलनी रे तेलंगाना सरकार को सह एमओयू स्वाक्षरित करिछि आदानी ग्रुप। ए चुक्ति मुताबक आदानी ग्रुप मोट 12,400 कोटी टंका निवेश करिवो, जहां मध्यरे आदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड ग्रीन एनर्जी रे व्यवहार पई 100 मेगावाट डाटा सेंटर लागि 5000 कोटी टंका निवेश करिवो। आदानी ग्रीन पाखापाखी 5000 कोटी टंकार दुईटी पंप स्टोरेज निर्माण करिवो। सेपरी अंबुजा सीमेंट आसंता 5 वर्ष रे वार्षिक 6 मिलियन टन क्षमता विशिष्ट सीमेंट प्लांट निर्माण करबाकु पाखापाखी 1400 कोटी टंका निवेश करिवो। 70 एकर जमीन में निर्माण होगा थिबा सीमेंट प्लांट जोगु आदानी सीमेंटर उत्पादन क्षमता वृद्धि पाइब। या द्वारा पाखापाखी 4000 लोकंकु प्रत्यक्ष एवं परोक्षरे नियुक्ति मिलिब। आदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस आसंता 10 वर्ष मध्यरे काउंटर ड्रोन एवं मिसाइल पई 1000 कोटी टंका निवेश करबाकु योजना रखिछि। या रिसर्च एवं डेवलपमेंट क्षेत्र में खर्च करा जिबो। ए प्रकल्प जरिया रे एको इकोसिस्टम रो विकास करा जिबो, जहां प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारत रो दक्षता वृद्धि करिबो। या द्वारा पाखापाखी 1000 लोकों को नियुक्ति मिलिबो। आदानी ग्रुप सह एही एमओयू ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में तेलंगाना रो अर्थनैतिक अभिवृद्धि रो मूलद्वार स्थापन करिबो। तेलंगाना रे आसंता 5 रु 7 वर्ष मध्य रे आदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड द्वारा 5000 कोटी टंका रे निर्माण हेबाकु थिबा 100 मेगावाट क्षमता विशिष्ट डाटा सेंटर संपूर्ण भाव रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा परिचालित हो। आदानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड स्थानीय एमएसएमई एवं स्टार्टअप गुड़िक सह आलोचना करुछि, जो माने कि यह प्रकल्प पई विश्वस्तरीय दक्ष सप्लायर हेबे। ए प्रकल्प रे उभय प्रत्यक्ष एवं परोक्षरे 600 जन को नियुक्ति मिलिब। आदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 2टी पंप स्टोरेज पई 5000 कोटी टंका निवेश करिब, जहां मध्यरे कोया बेस्टा गुडेम रे 850 मेगावाट एवं नाचारम रे 500 मेगावाट अंतर्भुक्त। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।